ये सारे मंत्रा के कुर्तीस देख के ही आपका दिल आ जाएगा इस दुपट्टे पे। बहुत कंफर्टेबल होते हैं और काफी रीजनेबल भी होते हैं। हाय गाइस, दिस इज पिंकी एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फेस्टिव सीजन इज अराउंड द कॉर्नर एंड फेस्टिव सीजन मतलब शॉपिंग। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए मिंत्रा के ढेर सारे एथनिक आउटफिट्स जो कि इस फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है। और इस हॉल का बजट मैंने 300 से लेके 2000 तक का रखा है, बिकॉज फेस्टिव सीजन में हमें एक आउटफिट तो चाहिए नहीं होता है, हमें बहुत सारे आउटफिट चाहिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो इसलिए मैंने कम से लेके ज्यादा तक दोनों ही रखा है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखा है। तो आई होप इस हॉल में से आप एक या दो आउटफिट तो खुद के लिए जरूर पिक करोगे इस फेस्टिव सीजन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पीस जो कि इस हॉल का सबसे सस्ता आउटफिट होने वाला है। सो दिस इज द आउटफिट। दिस कुर्ता सेट इज फ्रॉम द ब्रांड अनॉक। मैंने इसे लिया है सिर्फ 387 में। आपको इस तरीके का कुर्ती मिल रहा है, स्ट्रेट पैटर्न का प्रिंटेड कुर्ती है ये। वी नेक है इसकी एंड 3/4 स्लीव्स है जो कि बहुत सही है। और ट्राउजर सॉलिड रेड कलर है, पार्शियली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है इसकी, जिसके वजह से फिटिंग काफी अच्छी आती है। मैंने इसमें ऑर्डर किया है साइज एस और इसकी प्राइस और क्वालिटी देखे तो एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर कुर्ती जो कि है ग्रीन एंड व्हाइट में। तो ये है, तो दिस इज अ कुर्ती। ये 3 पीस का सेट है, इसके साथ कुर्ता पैंट और दुपट्टा तीनों आता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये प्योर कॉटन में है। सो दिस इज द कुर्ती, ये ग्रीन कलर के बांधनी प्रिंट में है। एंड दिस कुर्ती इज फ्रॉम द ब्रांड लिबास। लिबास के कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एंड अफोर्डेबल भी होते हैं। एंड ये राउंड नेक में है और बीच में ना एक पट्टी दिया हुआ है जो कि सेम प्रिंट है जो पैंट के कपड़े में यूज किया है, उसी का पट्टी दिया है। साइड में गोटा पत्ती की डिटेलिंग की हुई है और इसकी 3/4 स्लीव है और स्लीव में भी सेम वही किया हुआ है जो नेक पे किया हुआ है। तो और बात करें इसकी पैंट की तो ये ग्रीन और व्हाइट में कुछ स्ट्राइप जैसा हल्का हल्का प्रिंट किया हुआ है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें दो पॉकेट है जो कि बहुत सही है। मुझे पॉकेट वाले पैंट्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। इस फेस्टिव सीजन के लिए ये बहुत कंफर्टेबल भी है एंड प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, तो आप इसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ इस पीस के बारे में। इसका कलर और प्रिंट बिल्कुल बोहो वाइब दे रहा है और फेस्टिव सीजन के लिए, स्पेशली दुर्गा पूजा नवरात्रि के लिए तो ये परफेक्ट होने वाला है। इसमें कुर्ता अनारकली पैटर्न में आता है एंड वी नेक है इसका और नेक पे काफी अच्छे से गोटा पत्ती की डिटेलिंग की हुई है जो कि एकदम फेस्टिव लुक दे रहा है। और इसका हैंड पे भी गोटा पत्ती की डिटेलिंग की हुई है और ये स्ट्रेट कट में नहीं है, ये अनारकली पैटर्न में है। और आजकल इस टाइप के कॉटन के कुर्ता बहुत चल रहे हैं और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ये पैंट दिया हुआ है, पैंट भी प्रिंटेड है एंड ये पूरा इलास्टिकेटेड बैंड है तो फिटिंग आपको सही आने वाली है। मैंने इसमें ऑर्डर किया है साइज एस। और मटेरियल की बात करूँ तो ये प्योर कॉटन है, क्योंकि कॉटन है तो काफी ब्रीदेबल फैब्रिक होता है तो आप इजीली इसे दिन भर कैरी कर सकते हो। तो वीडियो को देख के आप कब से सोच रहे होंगे कि आखिर जो मैंने पहना है वो मैं हॉल में दिखाऊंगी भी या नहीं दिखाऊंगी, और अगर मैंने थंबनेल पे चिपका दिया होगा तो आप देखने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आखिर मैंने जो पहना है वो मैं कब दिखाने वाली हूँ। तो ये नॉर्मल कुर्ता सेट नहीं है, ये 3 पीस का सेट है। इसके साथ टॉप, स्कर्ट और एक जैकेट आता है। इसको मैंने लिया है सिर्फ 800 समथिंग में। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, जैसे कि दिवाली आ रहा है, पूजा आ रहा है तो ये सब में आप इसे कैरी कर सकते हो। एक तरह से ये कंफर्टेबल भी लग रहा है और दूसरे तरह से ये काफी एक्सपेंसिव डिजाइनर आउटफिट भी लग रहा है। बट यार इसके साथ एक प्रॉब्लम मुझे लगी, इसका जो ब्लाउज और टॉप जो दिया हुआ है ना वो काफी साइज में छोटा है, तो अगर आप छोटे ब्लाउज के साथ कंफर्टेबल हो तो ही आप इसे ऑर्डर करना, अदरवाइज मत करना। ओवरऑल इसकी जैकेट की लेंथ, इसकी जैकेट की क्वालिटी, सब कुछ बहुत अच्छी है। ये रेड और गोल्डन कलर में है जो कि फेस्टिव के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। और स्कर्ट ए लाइन स्कर्ट है बट इसकी घेर काफी अच्छी है तो देखने में काफी अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट पीस जो मैं बात करूंगी ना वो मैंने एक बार पहना है, वो है ये आउटफिट। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपने मुझे रक्षाबंधन आउटफिट इंस्पो जो मैंने बनाया था उसमें आपने मुझे ये पहने हुए देखा होगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका पैटर्न मुझे बहुत पसंद है। ये नॉर्मल कुर्ता सेट नहीं है, ये है शरारा सेट।
इसके साथ ऐसा कुर्ती आता है जिसपे नेक पे पूरा अच्छा खासा वर्क दिया हुआ है, जिससे कि ये आउटफिट काफी हैवी लग रहा है। हैंड पे भी काफी अच्छा मोटा पट्टी की डिटेलिंग दी हुई है जो कि अच्छा लग रहा है। एंड ये ग्रीन और ब्लैक के प्रिंट में है। एंड इसका शरारा काफी प्यारा है, पूरा शरारा में ही गोटा पत्ती से वर्क किया हुआ है जो कि इसे और फेस्टिव अप्रोप्रिएट बनाता है। बट या इस हॉल का सबसे एक्सपेंसिव यही ड्रेस है। और इस ड्रेस का सबसे अच्छा पार्ट क्या है पता है? इसका दुपट्टा, ग्रीन और येलो में ये लहरिया प्रिंट का दुपट्टा है जो कि देख के ही आपका दिल आ जाएगा इस दुपट्टे पे। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, 2000 के आसपास का है, तो आप इस आउटफिट को जरूर ट्राई करना। एंड ये शरारा सेट है सीन ब्रांड का एंड इसमें मैंने साइज एस ऑर्डर किया है। चलो नेक्स्ट कुर्ता सेट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी इस पिंक और वाइट कुर्ता सेट के बारे में जो कि प्योर कॉटन का है और काफी कंफर्टेबल है। आजकल कॉटन की ये कुर्ता सेट्स काफी चल रहे हैं। एक तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं और काफी रीजनेबल भी होते हैं। अगर मैं इसकी कुर्ती की बात करूँ तो ये पिंक और वाइट में है। इसके नेक पे काफी अच्छा थ्रेड वर्क दिया हुआ है तो इसको देख के काफी रिच लुक आ रहा है। इसका स्लीव्स भी 3/4 स्लीव्स है एंड इसका पैंट में पूरा इलास्टिक दिया हुआ है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है, इसमें ना पॉकेट दिया हुआ है, उसी के साथ ये दुपट्टा भी दिया है। यार मतलब बिल्कुल कॉटन का दुपट्टा है। दिस कुर्ता सेट इज फ्रॉम द ब्रांड सांगरिया एंड इसमें भी मैंने एस साइज ऑर्डर किया है जो कि मुझे परफेक्टली फिट हुआ है। तो अब आते हैं इस हॉल के लास्ट आउटफिट के ऊपर। ये जो लास्ट आउटफिट मैं दिखाऊंगी ना, वो भी मैंने एक बार पहना है, जो मैंने ऑलरेडी पहना है और पहन के मुझे काफी अच्छा कंफर्टेबल हुआ है और धोने के बाद भी उसकी क्वालिटी एज इट इज सेम है। तो मुझे लगा कि मुझे भी आपको ये सजेस्ट करना चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो शायद आपने मुझे इसे पहने हुए देखा होगा। एंड ये भी शरारा सेट है, नॉर्मल कुर्ता सेट नहीं है। और इसका जो कलर है ना, ये वाइन कलर में है। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसका कलर देखे सबसे पहले पसंद किया था। इसके नेक पे बहुत अच्छे से मिरर और जड़ी का वर्क किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका स्लीव्स पे भी सेम वर्क किया हुआ है, मिरर वर्क किया हुआ है। ये स्ट्रेट पैटर्न का कुर्ती है एंड जो साइड में जो स्लिट दिया हुआ होता है ना, वहाँ पे भी गोटा पत्ती का वर्क किया हुआ है। और बात करें अगर इसकी शरारा की, तो ये प्लेन वाइन कलर में है। कमर में इलास्टिकेटेड बैंड दिया हुआ है और साथ ही में डोरी भी दिया है एडजस्ट करने के लिए। दुपट्टा भी इसका बिल्कुल प्लेन है बट बहुत अच्छा है। बस साइड में वो कुर्ती के प्रिंट का पट्टी दिया हुआ है। एंड बात करें इसके फैब्रिक की, तो ये प्योर कॉटन है। तो जब इतने अच्छे वर्क में, अच्छा खासा हैवी कुर्ता में कॉटन मटेरियल मिल रहा है तो क्यों छोड़ना। और मैंने इसे एक बार वॉश भी किया है, फिर भी इसकी क्वालिटी एज इट इज सेम है। इसका कोई भी कलर नहीं गया, थोड़ा भी कलर नहीं गया। एंड ये मैंने लिया है अराउंड 1500 के आसपास। तो यार दिस इज इट, बस इतने ही कुर्ता सेट्स मैंने ऑर्डर किए थे, कुछ ऑर्डर किए थे और एक दो पहले के ही मैंने दिखाए हैं। तो आई होप इसमें से आपको एक दो आउटफिट तो जरूर मिलेगा इस फेस्टिव सीजन के लिए, क्योंकि मैंने जो भी दिखाया है ना, सारे के सारे फैब्रिक वाइज, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो मंगा के। इसी के साथ ये हॉल वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट कुर्ती इसमें से कौन सी लगी। एंड या सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।